हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल राइट ओके सो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और वर्ड एनोलॉजी पे करेंगे क्योंकि कुछ कम ही क्वेश्चन हमने देखे थे तो लेट सी कि आज के क्वेश्चन आपके कैसे हैं और कैसे आपको यहाँ पे करना है ओके okay. वो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो कैब होना चाहिए प्लस जीएस होना चाहिए एनोलॉजी वर्ड एनोलॉजी के स्पेशली क्वेश्चंस को करने के लिए राइट right? तो सेम वे में आई आई बिलीव कि आप इस चीज की प्रैक्टिस करके आए हो यहाँ पे ओके ना कम टू द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द डे और यू कैन से क्वेश्चन नंबर ऑफ द वर्ल्ड एनोलॉजी कान्हा नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू विच वन नाउ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पार्क और पार्क और स्टेट का रिलेशन दे करके रखा हुआ है है ना पार्क और स्टेट का रिलेशन दे करके रखा हुआ है तो सेम वे में क्वेश्चन में आपके पास पार्क है आपको फाइंड आउट करना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएट करता है तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में एमपी में ओके okay, जो आपका ऑप्शन सी है सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी ना आपका काम ये है कि जो भी आपके अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां पे कौन से पार्क है ये या आपको याद करना होगा ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वोकैब आप से रिलेटेड बच्चे और यहाँ पे है पर्टिकुलर इज रिलेटेड टू एंटी इन अ सेम वे एक्विजेंट इज रिलेटेड टू विच वन दिस पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है बीइंग स्पेसिफिक अबाउट समथिंग ओके पर्टिकुलर का मीनिंग होता है बीइंग बीइंग स्पेसिफिक और बीइंग डिमांडिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक अबाउट समथिंग ऑलराइट अबाउट समथिंग लाइक कभी-कभी हम डिमांड करते हैं ना कि आज हमें पिज़्ज़ा ही खाना है तो मतलब आज के लिए हम पर्टिकुलर है कि वही चीज लेनी है उसके अलावा हम कुछ नहीं खाने वाले हैं तो किसी चीज के लिए चूजी होना किसी चीज के लिए डिमांडिंग होना स्पेसिफिक होना दैट इज कॉल्ड व्हाट पर्टिकुलर ओके इन अ सेम वे डैनिटी का मींस भी होता है बीइंग चूजी अबाउट समथिंग बीइंग डिमांडिंग अबाउट समथिंग किसी चीज के लिए स्पेसिफिक होना किसी चीज के लिए पर्टिकुलर होना किसी चीज के लिए चूजी होना दैट इज कॉल्ड डैनिटी सो दैट मीन्स की दे बोथ आर दिन ऑफ ईच अदर राइट ये क्या है सोनोनिम है तो एक्विसेंट का भी आपको यहाँ पे सिनोनिम फाइंड आउट करना होगा कि एक्विसेंट वर्ड की सिनोनिम क्या है ना सी इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्विसेंट का मतलब क्या होता है राइट right. तो एक्विसेंट का मतलब होता है कि किसी की बात को बिना क्वेश्चनिंग किए मान लेना आ, या फिर आप ये कह लो कि, किसी की बात को किसी के सामने सबमैसेब हो जाना किसी को एकोमोडेट करना दैट इज कॉल्ड एक्विसेंट मतलब विदाउट विदाउट क्वेश्चनिंग विद क्वेस्ट यू आर रेडी टू फॉलो यू आर रेडी टू फॉलो देके लाइक फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने आपको यह बोला कि uh, तुम्हें इस बुक को फॉलो करना चाहिए और आपने वो चीज नहीं ध्यान दी कि वेदर यू वॉन्टेड टू फॉलो इट और नॉट मतलब आप सेल्फ नहीं हो आपने क्योंकि उसने बोला है कि उसे तुम्हें ये बुक फॉलो करनी चाहिए यू जस्ट डिड इट आपने सिर्फ उसको कर दिया कि हाँ हम इसी बुक से लेंगे तो दैट इज वॉट बींग सबिव और ना होना किसी की बात को डायरेक्टली मान लेना बिना क्वेश्चन किए हुए तो दैट इज कॉल्ड कॉल्डेंट इन अ सेम वे इन अ सेम वे अगर आपको स्नानम वर्ड देख रहे हो तो अभी हमने बोला कि क्या होता है सबमिसिव होना सबमिसिव होना किसी के सामने जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए सबमिसिव और बाकी जो ऑप्शन है, कि ये क्या है? दिख रहे हैं डोमिनेट करना इंडिपेंडेंट होना डिफाई करना किसी चीज को लेकर के किसी ने कहा कि आपको ये चीज करनी चाहिए आपने मना कर दिया उस चीज को दैट इज कॉल्ड वो डिफेंस ना तो ये ये तीनों वर्ड्स क्या हो गए इंटोनि हो गए ओके नाउ आई होप दिस इज क्लियर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना अगेन uh, है मतलब भी क्या होता है किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए टू थिंक हार्ड जब आप किसी चीज को लेकर के, ले के बहुत ज्यादा सोचते हो तो दैट इज कॉल्ड वर्ड पॉन्डर करना वेदर यू वॉन्ट टू डू इट और नॉट ठीक है और सेम वे में थिंक भी क्या हो गया सेम चीज हो गई किसी चीज को लेकर सोचना तो अगेन दे आर सिनको हैंकर वर्ड की मीनिंग होती है टू हैव डिजायर फॉर समथिंग किसी चीज के लिए डिजायर रखना किसी चीज के लिए यर्न करना ठीक है किसी चीज की डिजायर रखना किसी चीज के लिए यर्न करना लेकिन यू वॉन्ट टू परचेज अ कार है ना कोई कार आप चाहते हो कि ये कार मुझे परचेज करनी ही करनी है या फिर कोई भी ऐसी चीज लाइफ में जो आप डिजायर करते हो कि ये हमारे पास होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड वॉट हैंकर सेम वे में आपको यहाँ पे सनॉनमस वर्ड फाइंड आउट करना है के लिए, तो यू कैन सी के ऑप्शन में आपके पास यर्न वर्ड दिया हुआ है सो द करेक्ट एंसर विल बी यर्न ओके आई होप दिस इज क्लियर नाव मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

है सेम वे पूछा है मतलब सिमिलैरिटीज के बेस पे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जेटी किस वर्ड से रिलेटेड होता है सी जब रॉक्स एक साथ इकट्ठे रख दिए जाते हैं एक प्लेस पे जब रॉक्स को एक साथ रखते हो पत्थरों को एक साथ रखते हो तो दैट इज कॉल्ड जेटी दैट इज कॉल्ड वॉट दैट इज कॉल्ड जेटी सो द एंसर है विल बी ऑप्शन सी विच इज रॉक्स आई होप दिस इज क्लियर राइट अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है लगता है कि ये चीज थोड़ा कम समझ में आई है यू कैन कमेंट अबाउट इट ओके आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी छोड़ सकते हो हम वहां पे इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वी विल रिजॉल्व इट ओके नाउ क्वेश्चन परेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमी इन द सेम वे इज रिलेटेड टू विच वन यू ऑल नो कि जब भी इकोनॉमी स्लो होती है जब भी इकोनॉमी स्लो होती है आप क्या कहते हो उस पीरियड को आप कहते हो कि रिसेशन आ गया राइट right? आप कहते हो रिसेशन आ गया है रिसेशन का पीरियड चल रहा है जॉब्स नहीं मिल रही है इन अ सेम वे जब आप वॉल्यूम को कम करते हो फॉर एन एग्जाम्पल कोई अपना uh, कोई म्यूजिक किसी ने लगा रखा है और बहुत तेज है वॉल्यूम को कम किया डिक्रीज किया तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने की को कहते हैं डिसेंडो वॉल्यूम को डिक्रीज करने को टू स्लो वॉल्यूम टू डिक्रीज द वॉल्यूम टू डिक्रीज वॉल्यूम इस कॉल ड्री सेंडो अब आपको यहां पर आपको पता है वॉल्यूम को कम करने को कहते हैं जो कि आपका यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन डी में सो so, ऑब्वियसली आप ऑप्शन डी को अपना एंसर चूज करेंगे आई होप दिस इज क्लियर राइट ओके वर्ड याद रखना एंड डोंट वरी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा टॉपिक कंप्लीट होगा एनोलॉजी का तो लास्ट वीडियो में ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके okay, सो so वहां पे जाकर के आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हो क्वेश्चंस को न आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है लेटेल इज रिलेटेड टू लेगम तो आपको फाइंड आउट करना है कि विच वन विल बी रिलेटेड टू वीट सी लेंटल इज अ टाइप ऑफ लेगम इज अ टाइप ऑफ लेगम ओके टाइप ऑफ वीट ऑल राइट सो द करेक्ट एंसर विल बी स्पेल ऑप्शन सी ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी से हमें ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं

जम तो वर्ड को कॉपी करने को हम क्या बोल रहे हैं प्लेगराइज कर लिया उसने तो इन अ सेम वे आपसे पूछ रहा है कि गेम में अगर कोई चीज कॉपी की जा रही है तो इट इज कॉल्ड वर्ड इट इज कॉल्ड इज पोच पोच करना मतलब सी लेट से यहाँ पे टीम है कोई दो टीम है टीम वन टीम टू ओके okay. टीम वन टीम टू टीम टू का कोई मेंबर ऐसा है जो कि बहुत अच्छा खेल रहा है टीम वन ने क्या किया इसे पोच कर लिया टीम वन ने इसे पोच कर लिया अपने साइड में अपनी टीम में मिला लेने के लिए उसने कई ऑफर्स दिए उस पर्सन को पोच कर लिया तो जब जब गेम में आप कॉपी करते हो तो दैट इज कॉल्ड वर्ड पोच सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी पोच वर्ड ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइज इज रिलेटेड टू विच वन एग्जेड टू सुस तो एगलेट इज अ पार्ट इज दूलेस पार्ट ऑफ सुलेस राइट इन सेम वे आइज किस का पार्ट है ऑब्वियसली फेस का पार्ट है तो आंसर भी आपको पता ही है कि क्या होगा है ना कहने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ जाते हैं ये तो आप लोगों को बहुत इजली पता होना चाहिए ओके नाउ कम टू फोनिक्स इज रिलेटेड टू बर्ड इन सेम वे इज रिलेटेड टू विच वन सी फोनिक्स और पैगेस दोनों मिथिकल क्रिएचर हैं ओके okay, दोनों ही मिथिकल क्रिएचर हैं तो so, फोनिक्स को वी सपोज फोनिक्स इज अ टाइप ऑफ बर्ड इज अ इज अ टाइप ऑफ बर्ड ओके इन अ सेम वे पेगेस इज अ टाइप ऑफ हॉर्स िस रिलेटेड वर्ड जो आपको मिल जाएगा दैट इज हॉर्स जो कि ऑप्शन बी में गिवन है ना लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं लेट मी जस्ट गिवी मिनट या नाउ मिसिपी इज रिलेटेड टू गल्फ ऑफ मेक्सिको इन अ सेम वे नाइल इज रिलेटेड टू विच वन सबसे बड़ी बात कि आपको पता होना चाहिए दिस इज अवर रिवर क्योंकि आप गंगा यमुना तो समझ जाते हो लेकिन जब ऐसे वर्ड्स ऐसे रिवर्स के नाम आते हैं तो आप कंफ्यूज जाते हो कि भैया ये क्या है कहीं सभ्यता की बात तो नहीं कर रहा है मिसिसिपियन कल्चर की बात तो नहीं कर रहा है ना मिसिसिपी इज अ रिवर क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको देकर के रखा है तो दैट मीन्स रिवर और जहां पे जाकर के मिल रही है उसकी बात की जा रही है मिसिसिफी रिवर इज फॉल इन टू गल्फ ऑफ मैक्सिको इन अ सेम वे नाइल इज

For now, I hope this is all clear to all of you. So, stay healthy. Thank you so much.